क्या बताया जाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूं। पूरा का पूरा धंधा चौपट करके रख दिया है इस राहू ने। अच्छा खासा मैं यहाँ अकेला गन्ने का जूस बेचा करता था, लेकिन इस राहुल ने जब से मेरे बराबर में तरबूज के जूस की दुकान खोली है, पूरी की पूरी भीड़ इसी के पास जमा रहती है। मेरा गन्ने का जूस कोई पीता ही नहीं है। अरे योगी जी इधर भी देख लो, हम भी गन्ने का जूस लेकर बैठे हुए हैं। तुम तो अब रोज राहुल के जूस की दुकान पर आकर बैठ जाती हो। मोदी जी, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये बताओ, आपकी दुकान पर कोई अगर गन्ने का जूस पीने के लिए आता है तो क्या मैं उसे बुलाता हूँ? और तुम मेरे ग्राहक को डायरेक्ट बुला लेती हो। अब योगी जी देखो, मेरे पास तरबूज का जूस पीने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप गन्ने का जूस पिलाने के लिए बुला रहे हो। मेरे ग्राहक को क्यों बुला रहे हो? जब आपका कोई गन्ने का जूस पीना ही नहीं चाहता तो इसमें मेरी क्या गलती है? राहुल, तुम्हें इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है? मैं योगी जी से बात कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा बुरा लग रहा है तो योगी जी के ऊपर मेरे गन्ने के जूस के 50 रुपए उधार हैं, वो 50 रुपए भी तुम दे दो मुझे। अरे मोदी जी, मुझे याद है आपके 50 रुपए हैं मेरे ऊपर। आप तो भरी बाजार में मुझसे पैसा मांगने लगते हो अपने उधार का, ये कोई बात है? इसीलिए मैं आपकी दुकान पर जूस पीने नहीं जाता हूँ। अब राहुल का तरबूज का जूस कम से कम 300 रुपए का मैं उधार पी चुका हूँ, लेकिन मजाल है राहुल मुझसे उधार का पैसा मांग ले। चलो योगी जी, आज मैंने तुमसे पैसे मांग लिए, लेकिन ये बताओ मेरी दुकान पर लोगों ने जूस पीना क्यों बंद कर दिया? कोई तो वजह है, बताओ तो। मोदी जी वजह मैं बताता हूँ। मैं ऐसा है मोदी जी, आपके जो गन्ने के जूस की दुकान है उसके बराबर में कुछ कुर्सी डाल दो, जिससे कि ग्राहक आराम से आकर बैठ जाया करे। आप तो खड़े ही खड़े जूस पिलाते हो ग्राहकों को, और राहुल ने चालाकी से काम लिया है, उसने कुर्सी डाल दी है देखो ग्राहकों के लिए, इसीलिए सारा का सारा ग्राहक उसी के पास आकर बैठता है। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, इस राहुल ने तुम्हारे गन्ने के जूस का ही धंधा चौपट नहीं किया है, मेरे जो पकोड़े बेचता था उसका भी धंधा चौपट हो चुका है। यहाँ पर कोई पकोड़े खरीदता ही नहीं है, सब लोग इसी का तरबूज का जूस पीते हैं। अरे लालू जी, आपके पकोड़े खरीदेगा कौन? पहले आपके पकोड़े बहुत ही अच्छे होते थे। और रही राहुल के जूस बिकने की बात, क्योंकि राहुल अपने तरबूज के जूस को उधार ज्यादा बेचता है, इसीलिए लोग ज्यादा पीते हैं उसका जूस। और पहले को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल एक तो अपना स्कूल पहाड़ी के सबसे ऊपर चोटी पर है, इस पहाड़ के रास्ते से ऊपर चढ़ते चढ़ते बिल्कुल पैरों में दर्द होने लगता है स्कूल जाते जाते, क्या करा जाए। और मास्टर साहब जी कहते हैं कि तुम जल्दी स्कूल क्यों नहीं आते हो। अब केजरीवाल जी इन मास्टर जी को कैसे समझाया जाए कि इतने ऊपर पहाड़ के ऊपर चोटी पर आपका स्कूल है, यहाँ तक आते आते हमारे पैर दर्द करने लगते हैं, क्या करा जाए। ये बताओ मोदी जी, आप मैं योगी जी या केजरीवाल जी कुछ कर सकती हो स्कूल जाने के अलावा? अगर स्कूल नहीं जाओगे तो अच्छी शिक्षा नहीं ले पाओगे। अब स्कूल चोटी पर है तो क्या हुआ, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। इसीलिए राहुल मैं तो स्कूल एक एक दिन छोड़कर जाता हूँ। अब मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, कल स्कूल नहीं जाऊंगा, परसों को स्कूल जाऊंगा, क्योंकि इतनी ऊंची पहाड़ी पर कौन चढ़े भाई, मेरे तो पैर दर्द करने लगते हैं, 2 दिन तक पैर दर्द करते हैं। तभी तो अखिलेश तुम पढ़ने में बिल्कुल सबसे ज्यादा कमजोर हो। अरे स्कूल ऊपर है, चोटी पर है, पहाड़ी पर है तो क्या हुआ, हम तो स्कूल की एक दिन की भी छुट्टी नहीं करते। केजरीवाल को देख लो, हर रोज स्कूल आती है। वैसे केजरीवाल जी तुम 2 महीना पहले छुट्टी कर लिया करते थे, 1 दिन स्कूल आते थे, 2 दिन स्कूल नहीं आते थे, लेकिन अब 1 महीने से तुम लगातार स्कूल आ रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई? अरे बात क्या हो गई मोदी जी, अपना स्कूल इस पहाड़ी की चोटी के ऊपर है, उस स्कूल के बराबर में एक आम का पेड़ है, अब आम अच्छी तरीके से पक चुके हैं, इसीलिए रोज मैं तो आम खाने के लिए आता हूँ। पढ़ाई से मेरा कोई खास लेना देना नहीं है, एक बार उस पेड़ पे से आम खत्म हो जाएंगे मेरा स्कूल जाना छूट जाएगा, फिर से मैं कभी कभी स्कूल जाया करूंगा, 1 दिन जाया करूंगा, 4 दिन गायब रहा करूंगा। तो केजरीवाल जी इसका मतलब तुम आम के लालच में स्कूल जाते हो, तभी तो हम कहे 1 महीने से केजरीवाल जी ने स्कूल की एक भी छुट्टी नहीं की है, एक भी बंक नहीं मारा है, हमें क्या पता आप स्कूल के बराबर में जो आम का पेड़ है आम खाने के लिए जाते हो इतने ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर। अरे लालू जी जरा मुझे कंधे पर ले लेना, बहुत पैर दर्द करने लगे पहाड़ी स्कूल पर चढ़ते चढ़ते। योगी जी मेरे पैर कोई लोहे के थोड़ी है, मेरे पैर भी तो दर्द कर रहा है, तुम मुझे कंधे पर बैठा लो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल इस धान की खेती से तो ज्यादा मेहनत किसी फसल में नहीं है, सबसे ज्यादा मेहनत इस धान की खेती में करना पड़ती है। और राहुल और केजरीवाल तुम कैसे खड़े पड़े हो, जल्दी जल्दी धान की रुपाई करो, जितनी भी खरपतवार है
सब उखाड़ कर फेंक दूं। देखो योगी जी अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, आपके इस खेत में पानी तो है नहीं, जिसकी वजह से हम इस खेत में से खरपतवार अच्छी तरीके से उखाड़ ही नहीं पा रहे। जल्द से जल्द इस खेत में पानी भर दो, इस नाली में से पानी अपने खेत की तरफ चला दो। तो ये बात है राहुल, बता क्यों नहीं रहे हो इतनी देर से? पानी तो अपने खेत के बराबर से होके जा रहा है, अभी मैं पानी अपने खेत में कर देता हूँ, खेत को पानी से लबालब भर दूंगा। अरे मोदी जी इस खेत को पानी से इतना ज्यादा भी लबालब मत भरना कि सारी की सारी खरपतवार ही डूब जाए पानी में और हम धान और खरपतवार में अंतर ही नहीं कर पाए, खरपतवार की जगह धान उखाड़ने गई हम। तो केजरीवाल तुम ही बता दो इस धान की खेती में कितना पानी भर दूं? मैं से एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूं केजरीवाल, इस धान की खेती में मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, इससे तो मैं इस खेत में बाजरा बो लेता तो ठीक रहता। अरे योगी जी आज आप कैसे चुप हो, बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहे हो, क्या बात है? मोदी जी आप बोलने ही नहीं दे रहे हो, जब आपकी राहुल की केजरीवाल की वार्तालाप खत्म होगी तभी तो मैं कुछ बोलूंगा। तुम लोगों को आपस में बहस करने के अलावा कोई काम ही नहीं है, मैं तो आराम से धान की खेती में रुपाई कर रहा हूँ। मैं से योगी जी आपको क्या लगता है इस बार धान की फसल कैसी है, कितना धान निकल आएगा इस मेरी 4 बीघा की खेती में? फसल तो मोदी जी अच्छी लग रही है, लहरा रही है बिल्कुल, लेकिन ये है जब तक धान पक नहीं जाए तब तक अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा इस फसल का, टाइम पर सिंचाई देना होगी, टाइम पर उर्वरक लगाना होगा तभी अच्छी फसल होगी। कल को उर्वरक लगा देना आप इस खेत में, थोड़ी सी उर्वरक की जरूरत है आपके इस खेत को। योगी जी आप भी बेफालतू की बात करती हो, परसों तो मैंने इस खेत में उर्वरक लगाया ही है, 1 क्विंटल यूरिया की बुवाई करी है और आप और ज्यादा उर्वरक लगाने की बात कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आप आराम से रोपाई करो धान की फसल की, आपसे तो कोई सलाह ही लेना बेकार है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।